तरपाल वगैरह लगने की तैयारी यहाँ पे फुल जोरों शोर से इस वक्त चल रही है। क्या हो गया, क्या देख रहे हो? अभी इसका देखना पड़ेगा कि इसका प्लॉट कौन सा है, कौन सा प्लॉट मिलेगा उसको यहाँ पे खड़ा करने के लिए। ये बेसिकली मुझे दिखाना था इस वक्त, ये 1,00,000 रुपए की गड्डी जो है ना वो लेटी हुई है इस वक्त यहाँ जमीन के ऊपर। इसकी दाढ़ी कितनी प्यारी है बकरे की, ओए होए माशाल्लाह भाई। ट्रिमर लेकर आते हैं इसके लिए। दाढ़ी बड़ी हो गई है तुम्हारी? उमर देखो बैठ रहा है ये, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, सब खैरियत से हैं भाई? और फौरन से ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ, दिखा दूँ कि भाई तरपाल वगैरह लगने की तैयारी यहाँ पे फुल जोरों शोर से इस वक्त चल रही है। इसकी वजह ये है कि ये हिस्सा भी पूरा भर चुका है, पहले जो जानवर दिखाए थे वो यहाँ पे सब भरे हुए थे और अभी जो है ये हिस्सा भी पूरा भरना शुरू कर दिया है। जिस तरह के मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब निकल जाएंगी यहाँ से और यहाँ पे सिर्फ जानवर आएंगे, और जानवर आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा जानवर आए। ये बड़ी मेहनत काम ही है, तरपाल जो है ये भाई पूरा यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ के यहाँ से इसको पूरा टाई करेंगे। बाकी ये जो पूरा सेटअप है, पूरा फ्रेम जो है वो उन्होंने तैयार करके यहाँ पे सब लगाया है और ये आगे तक पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ जितनी जगह खाली है यहाँ सब जानवर ही होंगे भाई, इंसान कम मिलेंगे, जानवर बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ। माशाल्लाह भाई, नंबर 47 भी मौजूद है यहाँ पे, अल-तवक्कल कैटल फार्म का ये है। बाकी भी काफ़ी सारे और भी यहाँ पे जानवर आ चुके हैं। पता ही चला है भाई कि ये वाला जो बड़ा ख़तरनाक जानवर था ये फिर भी बड़ा सुधर ही है, लेकिन ये जो इसके जैसा है ना ये भी उसी तरह चल रहा है एग्रेसिव। बाकी भाई माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर आ गए हैं, दुम्बे काफ़ी आए हैं, ये है ये है, बाकी यहाँ पे दुम्बे खड़े हुए हैं इस वक्त। हाँ भाई, क्या हो गया, क्या देख रहे हो? बाकी भाई मिस्टर बाउंटी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, इनका मोहरा उतारा हुआ है क्योंकि अदील साहब का कहना ये था कि भाई इनको गर्मी लग रही होगी मोहरे में, इसलिए मोहरा इसका उतार दिया है। मोहरे के बगैर भी बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। बाउंटी मैं देख रहा हूँ कि इसके बड़ा निशान भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बाउंटी। ये मुझे लग रहा है भाई रात तक जगह भर जाएगी जिस स्पीड से यहाँ पे जानवर आ रहे हैं ना, और अभी ये सुजुकी भी यहाँ पे आई हुई है। बाकी जब हम आ रहे थे तो मैं देख रहा था एक शहजोर यहाँ से निकला था और उसने भी मेरे खास से 2 गाय यहाँ पे उतारी हुई हैं। अभी इसका देखना पड़ेगा कि इसका प्लॉट कौन सा है, कौन सा प्लॉट मिलेगा उसको यहाँ पे खड़ा करने के लिए। अरे भाई, अरे भाई, ये आया, अरे आराम से आ गया माशाल्लाह। 120 गज का प्लॉट मिलेगा इसको वहां पे खड़ा होने के लिए। क्या हो गया, क्या हुआ? माशाल्लाह भाई तो प्यारा है छोटा सा। और मैं तुम्हारी घंटी बजाऊं? माशाल्लाह साफ सुथरे अच्छे प्यारे पक रहे हैं भाई। हैं भाई जी भाई, तरपाल वगैरह पूरी रेडी हो गई यहाँ पे और जानवर भी थोड़े बहुत खड़े होने शुरू हो गए। अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ऑफिस से वापसी जब से रात में दोबारा चक्कर लगाएंगे और देखेंगे जो खाली जगह यहाँ पे जो सारे प्लॉट रह गए हैं ये प्लॉट पूरे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ये वाली अपडेट लेते हैं रात में। जी भाई एक दफ़ा दोबारा से हम आ चुके हैं जानवरों के पास और ये देखें भाई, ये बेसिकली मुझे दिखाना था इस वक्त, ये 1,00,000 रुपए की गड्डी जो है ना वो लेटी हुई है इस वक्त यहाँ जमीन के ऊपर। माशाल्लाह बहुत बड़ा बकरा है ये, 1,00,000 रुपए का एक है, और ये एक नहीं है, एक येरा और एक येरा, और ये चारों बकरे जो है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऊंचे बकरे हैं और तगड़े बकरे हैं। ये तो आराम से लेटा हुआ है भाई,
बाकी भाई बाउंड्री साहब जो है उनका खाना वगैरह तैयार हो गया और खाना उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। बिरयानी खा रहा है, गाय की बिरयानी कहते हैं इसे। एक बड़ा भाई ज़बरदस्त, मैं आपको बकरा चेक करवाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह भाई, इस बकरे को चेक करें, उसकी दाढ़ी चेक करें, उसकी दाढ़ी कितनी प्यारी है बकरे की। ओए होए माशाल्लाह भाई, ट्रिमर लेकर आते हैं इसके लिए। हैं दाढ़ी बड़ी हो गई है तुम्हारी। रात के भाई 12 बज रहे हैं और इस वक्त ये माहौल जो है ना वो बना हुआ है यहाँ पर। ये पूरा माहौल जो है वो फुल बना हुआ है सब बकरीद वाला। ईशा मैडम जो है वो बकरा ठहला रही है यहाँ पे, और ये वाला बकरा भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। मोहम्मद और जमल मैडम जो है वो अपनी नानी को फुल भगा रही हैं और फुल थका रही हैं और फुल रोना पीटना उसने मचाया हुआ है। बड़ी मुश्किल से स्टॉल में बैठी है ये और अब ये सैर कर रही है। इनकी नानी जो है इनको सैर करा रही है भाई। बाकी भाई सीन ये है कि ये सारी पार्टी भी यहाँ पे बैठी हुई है और बाउंटी भी वहाँ पे बैठा हुआ है आराम से। बाकी जानवर भी कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन उनको आराम बिल्कुल भी मिल नहीं रहा है क्योंकि रौनक ही इस वक्त 12 बजे जो है वो लगी है यहाँ पर। इस तरफ सारे जो है वो बकरे आ गए और जमल मैडम जो है वो ओए हो अरे 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 क्या हो गया। अरे 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 भाई तो बहुत बुरी तरह मार रहा है, जमल को पीछे कर लें। क्या हो गया क्या हो गया, नहीं करो नहीं करो नहीं करो। इन बकरों को ये इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जहाँ पे इनको बांधने का इंतजाम किया है वहीं पर ही इनको लटकाने का भी इंतजाम फुल जो है वो कर दिया गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे लटकेंगे भाई, ये लेवल है भाई मोहब्बत का। बेचारी कुर्सी लेके यहाँ पे बैठ गई है, स्ट्रॉलर यहाँ पे खड़ा कर दिया है और जमल मैडम कह रही है कि भाई इसी वाली गाय को जो है वो हाथ लगाना है, तो ये इसको खूब प्यार कर दिए, हाथ लगा दिए क्योंकि थोड़ा सा मूड इसका ख़राब हो गया था, तो अभी मूड सही कर रहे हैं इसका। A few hours later. अभी उमर भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे अपार्टमेंट का हाल है। यहाँ पे फुल जो है वो जानवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बकरे जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हैं और माशाल्लाह भाई बफलो भी आया हुआ है यहाँ पर और इसकी फुल सर्विस हो रही है इस वक्त यहाँ पर। हाँ भाई उमर हाथ लगा लिया इसको। अरे बाकी में यार से बाल कैसे हैं, आ जाओ भाई उमर देखो बैठ रहा है ये माशाल्लाह, बहुत बड़ा है भाई ये। इसे दूर रहना हाँ। आज मैं खड़ा हूँ ना। हाँ। ये बड़ी चीज़ है। मैंने खुद पहली दफा इसको हाथ लगाया, अभी बाल हैं इसमें यार, कैसे अल्लाह की शान है वैसे ये। हाँ। सुबह की तरह है ना। बिल्कुल जैसे इंसान के बाल होते हैं उस तरह के बाल हैं इसके। माशाल्लाह भाई ये जानवर भी बड़ा प्यारा मुझे लग रहा है और एक जानवर वहाँ पे खड़ा हुआ है ये वाला, इसको भी मैं अभी करीब से दिखाता हूँ, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। करो कोशिश करो। अभी तो हाथ लगवा रहा था, अभी क्या हो गया उसको, जाओ जाओ जाओ। ये वाला देखें भाई माशाल्लाह, ये भी बड़ा प्यारा खूबसूरत सा है। ये है भाई हाजी कैडल फार्म का जानवर माशाल्लाह, बहुत प्यारा है, अच्छा खासा भाई ये माशाल्लाह ऊंचा और अच्छा खासा जो है वो हैवी जानवर है ये। तो भाई ये सूरत हाल है यहाँ पे अपार्टमेंट में, ये माशाल्लाह सारे जानवर यहाँ पे, बकरे जो हैं वो सारे इस तरफ खड़े हुए हैं और बड़े जानवर जो हैं वो सारे अंदर खड़े हैं भाई। जी भाई घर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा भाई थक गए यार, बहुत ज़्यादा थके भाई। टाइम सब मैं दिखाता हूँ, टाइम इस वक्त 1:30 बज रहा है, 1:30 से भी थोड़ा सा ऊपर है। आज हालत ना बहुत ख़राब हुई, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, ऊपर से बच्चों की वजह से भी बहुत ज़्यादा नीचे ऊपर के चक्कर तो लगते हैं और मेरी फिर भी क्या हालत हुई है, बड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा थकी आज। दोनों बच्चे भाई बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं। खैर इस ब्लॉग को मैं भी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह कल मिलेंगे दोबारा से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवर एंड